साथियों, उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षकों की होगी अनिवार्य कार्यमुक्ति। तो देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत माह सितंबर 2023 एवं जुलाई 2024 में काउंसलिंग के माध्यम से उच्च पद प्रभार हेतु लोक सेवकों को शाला चयन का अवसर प्रदान किया गया था। विषय बार वरिष्ठता क्रम कट ऑफ डेट लग्न है। यदि कोई लोक सेवक कट ऑफ डेट के से बाहर है तो उन्हें कार्यमुक्त कारभार ग्रहण करने की कार्रवाई ना करें। संज्ञान में आया है कि कुछ लोक सेवकों द्वारा सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुन राजस्थान से स्नातकोत्तर बीएड की उपाधि प्रस्तुत की है, जबकि उक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर बीएड कोर्स के लिए अधिकृत नहीं है। इस तरह और भी विश्वविद्यालय हो सकते हैं, तथा परीक्षण कर लें। लोक सेवकों की स्नातकोत्तर बीएड की उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही प्राप्त की हो। लोक सेवकों के आदेश जारी होने के उपरांत व्यक्तिगत कारणों से उच्च पद प्रभार हेतु असहमति देना चाहते हैं तो उनसे अभ्यावेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र एक में अभिमत सहित आवेदनों को दिनांक 13/8/2024 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को प्रेषित करें। पदस्थापना स्थल परिवर्तन का कोई भी अभ्यावेदन मान नहीं किया जाएगा, अतः जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा कोई प्रस्ताव संचालनालय को न भेजें। इसके अतिरिक्त वरिष्ठता से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 10/8/2024 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में संवर्ग वर्ग सूची तैयार कर संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को दिनांक 14/8/2024 तक जमा कराएं। संभागीय संयुक्त संचालक जिलेवार अभ्यावेदनों का परीक्षण कर अभिमत सहित अभ्यावेदन संचालनालय में दिनांक 20/8/2024 तक जमा करें। किसी भी लोक सेवक का सीधे संचालनालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः शिक्षक को निर्देशित करें कि संचालनालय में सीधे उपस्थित ना हो, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यह माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है कि उन्हें अनिवार्य रूप से उच्च पद पर ग्रहण करना है, तो उनकी जानकारी मंगाई गई है 20/8/2024 तक, नहीं तो उन्हें उच्च पद का प्रभार नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी असहमति देनी पड़ेगी, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करवाना होगा संकुल प्रभारियों को। उसके संबंध में आदेश जारी किया गया, जिन्होंने वो मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री प्राप्त नहीं की है बीएड की, तो उनके लिए उच्च पद प्रभार नहीं मिलेगा। उनके उच्च पद प्रभार डॉक्यूमेंट्स का एक बार फिर परीक्षण होगा, तभी उन्हें कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।